Good morning, students. Today we are going to discuss the chapter number 4th, living and non-living things. So, starting the chapter, Ravi is trying to wear his clothes, which is he used to wear till last year. Ravi अपने वो कपड़े पहनने की try कर रहा है जो वो last year पहनता था. But these clothes are not fitting him. ये कपड़े उसे fit नहीं आ रहे. On the contrary, he find that his toys are wearing the same dress for the past so many years. वो ये देखता है कि उसके जो toys हैं वो पिछले कुछ सालों से same कपड़े पहनते हैं. What do you think may be the reason? ऐसा क्यों है कि toys को वो कपड़े fit आ रहे हैं but Ravi को उसके पिछले साल के कपड़े fit नहीं आ रहे? Why? Because the toys do not talk, walk, sleep and eat like Ravi. So, observe the things around you very carefully. Make a list of the things which can move, eat, food, sleep or talk. अपने आसपास की चीज़ों को देखिए और ऐसे चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो मूव यानी चल सकती हैं, खाना खाती हैं, स्लीप यानी कि सोती हैं एंड टॉक यानी कि बातें करती हैं. तो आपकी लिस्ट में क्या आएंगे? एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमन बींग्स, ये सब आपकी लिस्ट में आएंगे. मस्ट हैव अपियर्ड इन योर लिस्ट. एनिमल, बर्ड्स एंड ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड एज लिविंग थिंग्स. एनिमल्स, बर्ड और ह्यूमन बींग्स को क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स. प्लांट्स आर ऑल्सो द लिविंग थिंग्स. प्लांट्स जो हैं वो भी लिविंग थिंग्स होते हैं. यू मस्ट बी वंडरिंग हाउ प्लांट्स आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स वेन दे कैन नॉट मूव, ईट फूड, स्लीप और टॉक. यानी कि आप सोचो कि प्लांट कैसे लिविंग थिंग्स हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि ना ही वो चल सकते हैं, ना ही वो खाना खाते हैं, ना ही वो सोते हैं, ना ही वो बातें करते हैं. बट बिसाइड वॉकिंग, टॉकिंग, ईटिंग एंड स्लीपिंग, और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं लिविंग थिंग्स के जो हम इस चैप्टर में देखेंगे. इस वीडियो में, इस डायग्राम में देखिए आप, ह्यूमन बीइंग, डॉग, कैट, काउ, ट्री, दीज ऑल आर लिविंग थिंग्स. ओके, फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग. लिविंग थिंग्स कैन ब्रीद, मूव, ग्रो, ईट फूड, फील एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस. जो लिविंग थिंग्स हैं वो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, मूव होते हैं, चल सकते हैं, ग्रो बढ़ते हैं, वो ईट फूड खाना खाते हैं, फील उन्हें फील होता है एंड दे रिस्पॉन्ड टू चेंजेस. उन्हें जो भी चीज़ फील होती है उसके लिए वो रिस्पॉन्ड भी करते हैं. दे कैन ऑल्सो गिव बर्थ टू द यंग वंस, और वो यंग वंस को बर्थ भी देते हैं. सो फर्स्ट फीचर्स, लिविंग थिंग्स ग्रो. ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो विद टाइम. जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो टाइम के साथ साथ ग्रो करती हैं. जैसे अ सीड ग्रो इनटू अ सीडलिंग एंड देन टर्न इनटू अ ट्री. एक जो सीड है वो पहले एक बीज होता है, फिर वो एक सीडलिंग यानी कि छोटा प्लांट बनता है, और फिर वो एक बड़ा ट्री बनता है. यानी कि वो क्या हुआ है, ग्रो किया है उसने. अ चिक ग्रो इनटू अ हैन. ये चिक है. दिस चिक ग्रो इनटू अ हैन. अ किटन ग्रो इंटू अ कैट. जो किटन यानी कि जो बिल्ली का छोटा बच्चा होता है वो कैट में कन्वर्ट होता है. एंड अ बेबी गर्ल ग्रो इंटू अ यंग गर्ल एंड फाइनली बिकम्स अ वुमेन. दिस इज अ बेबी गर्ल, दिस इज अ यंग गर्ल एंड दिस इज फाइनली अ वुमेन. इट मीन्स वी कैन से दैट लिविंग थिंग्स ग्रो. लिविंग थिंग्स ब्रीद. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीद. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें एयर चाहिए सांस लेने के लिए. दे हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग. उनके पास डिफरेंट ऑर्गन्स हैं ब्रीदिंग के लिए. Human being and most of the animals breathe through their nose. Human being यानी कि हम इंसान और जो बहुत सारे animals हैं वो by nose breathe करते हैं. Plants breathe through small pores on their leaves. Plants जो हैं उनके ऊपर small pores होते हैं, यानी कि pores यानी कि छोटे छोटे holes होते हैं, वो उनसे breathing का process करते हैं. Fish breathe in water through small slits on their body called gills. फ़िश के पास ब्रीदिंग ऑर्गन क्या होता है? गिल्स. और ह्यूमन के पास वैसे तो लंग्स होते हैं, बट हमारी बॉडी में एयर अंदर कहाँ से जाती है? बाय नोज. सो ह्यूमन बीइंग ब्रीद थ्रू देयर नोज एंड दीज आर द गिल्स. सो फिशेस हैव गिल्स फॉर ब्रीदिंग. लिविंग थिंग्स नीड फूड. All living things need food to get energy, grow and stay healthy. सारे living things को food चाहिए energy के लिए, grow करने के लिए और healthy रहने के लिए. Plants make their own food in the presence of air, water and sunlight. Plant जो हैं वो अपना food बनाते हैं in the presence of air, water and sunlight. Some animals eat only plants. कुछ एक animals जो हैं वो सिर्फ plants खाते हैं, while some animal eat the flesh of other animals.
लेकिन कुछ एक एनिमल्स ऐसे हैं जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, यानी कि उनकी उनको खाते हैं। ह्यूमन बींग्स ईट फूड ऑब्टेन फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ह्यूमन बींग जो हैं वो फूड खाते हैं जो कि उन्हें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से मिलता है। लिविंग थिंग्स कैन फील। लिविंग थिंग्स कैन फील अराउंड देम। लिविंग थिंग्स को चीज़ें फील होती हैं। दे कैन फील इफ़ अ थिंग इज हॉट, कोल्ड, रफ और स्मूथ। लिविंग थिंग्स फील कर सकते हैं कि कोई चीज़ हॉट है, कोल्ड है, रफ है या स्मूथ है। वेन वी फील थिंग्स वी आर एबल टू रिएक्ट। जब हमें चीज़ें फील होती हैं तो हम रिएक्ट करते हैं। ऑन अ सनी डे वी फील वेरी हॉट, सो वी प्रेफर टू स्टे इनडोर एंड स्विच ऑन द फैंस एंड कूलर। बहुत ज़्यादा गर्मी के दिन पे जब बहुत ज़्यादा गर्म होता है बाहर, तो हम क्या प्रेफर करते हैं कि हम घर में रहें और अपने फ़ैन और कूलर ऑन करके रखें ताकि हम गर्मी से बचें। सिमिलरली एनिमल्स ऑल्सो रिएक्ट टू थिंग्स हैपनिंग अराउंड देम। जैसे कि एनिमल्स भी रिएक्ट करते हैं अपने आसपास की चीज़ों को। अ डॉग बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। कुत्ता अजनबियों पे भौंकता है। प्लांट्स ऑल्सो रिएक्ट टू द चेंजेस इन देयर सराउंडिंग। एक प्लांट होता है दैट इज टच मी नॉट। टच मी नॉट प्लांट फोल्ड इट्स लीव्स व्हेन टच्ड। टच मी नॉट जो प्लांट है वो अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेता है जब भी उसको कोई टच करता है। मैनी प्लांट्स फील सनलाइट एंड ग्रो टूवर्ड्स देम। और कुछ एक प्लांट्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं जो सनलाइट को फील करते हैं और सनलाइट की डायरेक्शन में ग्रो करने लग जाते हैं। लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन। लिविंग थिंग्स अपने आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। ओके। एनिमल्स सच एज बटरफ्लाई एंड कॉकरोच कैन फील द चेंजेस अराउंड देम। लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। फूड और शेल्टर की खोज में, यानी फूड मीन्स खाना, शेल्टर मीन्स घर, उसके लिए लिविंग थिंग्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स वॉक और रन विद द हेल्प ऑफ देयर फोर लेग्स। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग हैव टू लेग्स फॉर वॉकिंग एंड रनिंग। बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। देखिए ये फ्लाई कर रही है, दिस इज ह्यूमन बींग, ही इज वॉकिंग। टाइगर रनिंग। It means these all are living things. Plants do not move from one place to another as they are fixed in the soil. Plants जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह move नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो soil में fixed होते हैं। But plants make a special movements. For example, plants bend toward the sunlight in the morning because they need it to prepare their own food. जैसे कि आप इस diagram में देखें, यहाँ plant तो window के पास रखा हुआ है, but जहाँ से सनलाइट आ रही है उस डायरेक्शन में ये प्लांट मूव कर गया। सो दिस इज द प्लांट मूवमेंट। लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू द यंग वंस। लिविंग थिंग्स गिव कैन गिव बर्थ टू द यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। लिविंग थिंग्स जो हैं वो एक यंग वंस को जन्म दे सकते हैं जो उनकी तरह होता हो। जैसे ह्यूमन बींग गिव बर्थ टू द बेबी। ह्यूमन बींग जो है वो बेबी को बर्थ देता है। काउ गिव बर्थ टू अ काफ। काउ जो है वो काफ को बर्थ देती है। अ बर्ड लेज एग एंड बेबी बर्ड हैचेज आउट ऑफ द एग। एक जो बर्ड है वो अंडा देती है और उस एग में से क्या निकलता है? बेबी। हैच, हैच मीन्स एग जो है वो टूटता है ना, दैट टूटना इज हैचिंग। अ सीड प्रोड्यूस अ न्यू सीडलिंग विच ग्रो इन टू प्लांट। जो सीड है वो सीडलिंग बनाता है और फिर सीडलिंग जो है वो एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। ऑल लिविंग थिंग्स हैव अ फिक्स्ड लाइफ टाइम ड्यूरिंग विच दे ग्रो, गिव बर्थ टू द यंग वंस, बिकम ओल्ड एंड देन डाई। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनका एक फिक्स्ड लाइफ टाइम होता है। पहले वो ग्रो करते हैं, फिर वो यंग वंस को बर्थ देते हैं, फिर वो खुद बूढ़े हो जाते हैं और फिर वो मर जाते हैं। जैसे एक डॉग है, उसने अपने पपीज को बर्थ दिया है। ये सीड है, ये सीडलिंग है, एंड दिस इज अ प्लांट। ह्यूमन बींग गिव बर्थ टू द बेबीज। फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग। अब जितने भी लिविंग थिंग्स के फीचर्स थे सब उसके अपोजिट जो हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स के फीचर्स हैं। ऑल मैन मेड थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स सच एज टॉयज, पेंसिल, पेन, चॉक्स, चेयर, बुक्स, टेबल्स एक्सेट्रा। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो, दे कैन नॉट ब्रीथ, दे कैन नॉट फील एंड दे डू नॉट नीड फूड। नॉन लिविंग थिंग्स बढ़ते नहीं हैं, वो सांस नहीं लेते, उन्हें फील नहीं होता और उन्हें फूड की भी ज़रूरत नहीं होती। दे डू नॉट गिव बर्थ टू द यंग वंस, वो यंग वंस को बर्थ भी नहीं देते। दे डू नॉट मूव ऑन देयर ओन, वो अपने आप मूव भी नहीं कर सकते। अब आप ये डायग्राम देखिए, इसमें आप नॉन लिविंग थिंग्स को सर्कल कीजिए। क्या क्या नॉन लिविंग थिंग्स हैं यहाँ पे? दिस डस्टर, दिस चॉक, दीज बुक्स,
ये जो चौक मैम के हाथ में है, दिस ब्लैक बोर्ड, दिस डोर, दीज बेंचेस, दीज बुक्स, ये सारी क्या हैं? नॉन लिविंग थिंग्स हैं. दस वी सी द थिंग्स अराउंड देयर कैन बी लिविंग एंड नॉन लिविंग. लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट, विदाउट विच दे कैन नॉट लिव. दिस इज बिकॉज लिविंग थिंग्स ब्रीद एयर. All living things drink water. Plant absorb water from the soil which help for their roots. जो living things हैं वो पानी पीते हैं सांस लेने के लिए, उन्हें air की ज़रूरत होती है. जो plants हैं वो soil से water absorb कर लेते हैं by the roots. Plants need sunlight. Plants को sunlight की भी ज़रूरत होती है अपना खाना बनाने के लिए. Animal, human beings and birds depend on plants for their food. जो animal है, human being है और जो birds हैं, ये सारी चीज़ें plants पे depend करती हैं उनके food के लिए. प्लांट्स नीड सॉइल टू ग्रो. प्लांट्स को सॉइल की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए. इफ़ द सॉइल इज़ नॉट फर्टाइल, अगर जो सॉइल है वो फर्टाइल नहीं है, इट मीन्स उसमें प्लांट ग्रो नहीं कर सकता. दैट देन प्लांट्स कैन नॉट ग्रो. फर्टाइल मीन्स उस सॉइल में इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं जो एक प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, तो प्लांट वहाँ ग्रो नहीं होता. विच कैन लीड टू द शॉर्टेज ऑफ फूड फॉर ऑल द एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग. जिससे क्या होगा, जिस सारे ह्यूमन बींग और एनिमल्स के लिए फूड की कमी हो जाएगी. That's all about this chapter. Thank you.